दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिटी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स में, ट्रांसफॉर्मर में अरे अलोंग कर्व जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम डिज़ाइन बनाने के लिए। अभी देखिए, कोई भी राउंड में मैंने राउंड बनाया, अगर कोई भी चीज़ है जो हमें कॉपी लगानी है राउंड में, जैसे कॉलेट में बना लेता हूँ। मैंने यह कॉलेट बना लिया है। कॉलेट में हम जैसे कॉपी लगाते हैं इसको ऊपर लेकर, ये समझिए यहाँ पे ऐसे ये ऑफसेट ले लेता हूँ 2.2 का, मैं 2 mm का डायमंड है। तो हमें इसमें हम कॉपी लगाते हैं, तो कैसे सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मर में अरे पोलर F4 दबा के जितना कॉपी है उतना लिख के एंटर, 25, 22, 24, 24 कॉपी लगाया। ये जैसे हम राउंड में कॉपी लगा रहे हैं वैसे अलग अलग शेप में हम कॉपी लगा सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मर में, ये टूल्स यूज़ करके अरे अलोंग कर्व से। तो कैसे लगाना है वो आपको बताता हूँ। अभी समझिए ये राउंड है, उसको साइड कर लेता हूँ। अभी समझिए कोई पियर शेप है उसमें मुझे कॉपी लगाना है, तो एक पियर शेप में बना लेता हूँ। इसका ऑफसेट भी 2.2 ही लगा देता हूँ डायमंड के हिसाब से। ये ले लिया। अभी आप कॉपी तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से कॉपी लग सकता है, वो आपको आगे बताता हूँ। पियर शेप में कैसे लगाना है और ओवल शेप में कैसे लगाना है। अभी समझिए पियर शेप है, तो इसको हम एक कॉलेट है जो कॉर्नर पे तो रहना ही चाहिए, वो कॉलेट हम अभी एक कॉर्नर पे रख देंगे। यहाँ पे बीच में रख दिया। अभी ये दोनों के बीच में एक बीच वाला कर्व जो चाहिए, ट्विन कर्व, वो ट्विन कर्व ले लेना है। सिलेक्ट करके ट्विन कर्व लिखा, अगर ठीक नहीं आ रहा है तो इसको ऑफसेट लगा सकते हैं 1.1, 2.2 का आधा 1.1 ऑफसेट लगा दिया। अभी एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तीनों कर्व है कॉपी लगाने के लिए, तीनों कर्व में से सिलेक्ट कौन सा कर्व करना है, एक एक कॉलेट सिलेक्ट करके पहले देख लेना है कॉपी करके। ये सिलेक्ट किया ट्रांसफॉर्मर में, अरे अलोंग कर्व लिया, ये कर्व पे क्लिक करके जितना हमें कॉपी चाहिए, आपको लगता है इसमें 25 डायमंड आएगा, 30 डायमंड आएगा, 20 डायमंड, जो भी लिखना लिखना है वो लिख सकते हैं। अभी 24 डायमंड लिख के मैं देख लेता हूँ। 24 डायमंड में देखिए कैसे आ रहा है, ये मतलब ज़्यादा हो गया, इसको 20 डायमंड कर देता हूँ, थोड़ा कम हो गया।
22 डायमंड में ये परफेक्ट आ गया। लेकिन आप देखिए इसमें जो हुआ ना वो कॉपी देखो, एक ये जो हमारा डिज़ाइन है हमें डिज़ाइन के अंदर ही वो रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, अभी समझिए ये यहाँ पे ऐसे ही रख दिया, वो एक रहने दीजिए, अभी ये जो कॉलेट है ना उसको एक यहाँ पे ले लीजिए। इसको ऐसे नीचे ले लेना है, और नीचे कैसे लेना है, ये जो मैंने बीच वाला जो कब लिया ना उसको उसके सेंटर में ये रहना चाहिए, वो एक चीज़ ध्यान रखना है हमें। ये बीच में आ गया, अभी समझिए ये सिलेक्ट किया, अभी कॉपी लगाना है, अरे लॉन्ग कव लिया, यहाँ पे क्लिक करके 20 कर दीजिए, देखिए परफेक्ट आ गया। अभी इसमें क्या करना है, अभी हमें ये जो कॉलेट है ना ये नीचे वाला जो, अभी ये परफेक्ट आ गया है, देखिए कव पे आ गया पूरा, जितना कॉपी हमें चाहिए था उतना ही आ गया। अभी यहाँ पे दो कव हो गया, मैंने एक लगाया था और दूसरा कॉलेट भी आ गया, तो इसमें से कौन सा डिलीट करना है, ये जो वाला कॉलेट है वो डिलीट करना है और ये वाला रख देना है। ये हो गया पियर शेप में कॉपी, अभी इसको भी मैं साइड कर लेता हूँ। ये दोनों को ऐड कर देता हूँ। अभी मैं आपको ओवल शेप में कॉपी लगा के दिखाता हूँ। ओवल शेप लिया, ए4 दबाया, ये हो गया। अभी इसका भी ऑफसेट 2.2 ही लगा देता हूँ मैं, 2.2 लगा दिया, कॉलेट एक था वो ले लेता हूँ मैं, इसको ऐड कर दिया। इसमें भी सेम वही करना है, दोनों को सिलेक्ट करके ट्विन कव ले लेना है, ये जो कॉलेट है उसको सिलेक्ट करके ऊपर ले लीजिए, वायरफ्रेम में देख लीजिए, ये जो है परफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए तो ही ठीक से कॉपी होगा। ये हो गया, सिलेक्ट किया ट्रांसफॉर्मर में, हम डिज़ाइन तो ये कव ड्रॉ करते हैं लेकिन जो सिलेक्ट करना रहता है वो बीच वाला कव रहता है, वो डिज़ाइन खाली देखने के लिए है। ये ले लिया, अरे अलोंग कव, बीच वाला कव सिलेक्ट करना है और कॉपी लिख देना है। अभी इसमें कम हो रही है तो इसमें ज़्यादा कर देते हैं, 28, 32, हाँ ये परफेक्ट आ गया, 32 कॉपी में देखिए एकदम सेंटर टू सेंटर डायमंड आ गया है। ये हो गया, अभी इसमें भी अभी ये कॉलेट तो बिठा लिया, अभी इसमें डायरेक्ट हम प्रोंग कैसे बिठा सकते हैं वो देख लीजिए। प्रोंग में बिठाने के लिए अभी ये अलग अलग शेप मैंने आपको बता दिए कॉपी करने के लिए, अभी इसको अभी ये दोनों हाइड कर देता हूँ मैं। अभी ये राउंड ओवल में है, ये जो डायमंड है उसका हम प्रोंग कैसे लगा सकते हैं, पूरा डायमंड सब सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये सब सिलेक्ट कर लिया, F6 दबा के प्रोंग्स लेना है, प्रोंग्स लेके उसका मेजरमेंट टोटल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अभी समझिए ये मैंने 2 mm का डायमंड लिया था, तो 2 mm के हिसाब से हमें प्रोंग 0.6 के रखने होते हैं, तो ये 0.65 रखते हैं, ये 0.65 का प्रोंग रख दिया। ये जो टेपर था प्रोंग, हम टेपर नहीं रखते इसलिए टेप प्रोंग तो 0 कर देना है, शिफ्ट दबा के सिर्फ दबा के 0 कर दिया। फिर ये डायमंड इसके अंदर कितना इंसर्ट करना है वो हम रेगुलर 35% रखते हैं, तो इसको 35% इंसर्ट कर देते हैं डायमंड के अंदर, ये ले लिया। फिर इसका हाइट देख लीजिए, हाइट हमें ये वाले सेटिंग में हाइट यहाँ नीचे तक रखना पड़ता है, इसलिए इसको हाइट खींच के और ये जो हाइट है प्रोंग का वो तो 0.8 ही रहेगा। इतना सेटिंग करने के बाद सिर्फ आपको एंटर देना है, तो आपके जो पूरा ये प्रोंग लगा गया है, हाँ ये पूरा प्रोंग लग गया है इसमें सब डायमंड एक साथ में, आपको एक एक नहीं लगाना पड़ेगा, वही प्रोसेस सेम इसमें करना है। इस दोनों को ऐड कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लिया, F6 दबा के प्रोंग्स लेने हैं, जो मैंने सेटिंग किया हुआ था वो सेटिंग वैसे ही है जैसे पहले में था, 0.6 का प्रोंग, ये जो है वो 35%, ये जो 0 कर दिया मैंने, सिर्फ आपको एंटर देना है, अगर इसमें जैसे उसमें था वैसे ही। इससे प्रोंग लगाने का फायदा ये है, ये जो दो डायमंड के बीच में जो गैपिंग है, जो डायमंड के अंदर इंसेट है, वो सब में एक जैसे ही रहता है, एक एक बिठाने से अच्छा है ऐसे ही बिठा सकते हैं।
अभी आपने तो ये देख लिया, अभी आप भी एक बार ये सब करके देख लीजिएगा, अलग अलग शेप बना के। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो बना के या फिर वीडियो निकाल के आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा कि उसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये जो चीज़ है वो आपसे होगी भी नहीं, मतलब जैसे समझिए आपसे नहीं हुई है ये चीज़, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।